कितना अच्छा लगता है ना जब हम कोई कंपटीशन जीतते हैं और हमें मेडल मिलता है। मुझे भी कई सारे मेडल मिले हैं, आपको भी मिले होंगे। और अगर नहीं मिले हैं तो आप इस वीडियो के सहारे मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, आपको भी मेडल जरूर मिलेगा। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि जो फर्स्ट पोजीशन पाता है उसे गोल्ड मेडल मिलता है, जो सेकंड पोजीशन में आता है उसे सिल्वर मेडल मिलता है, और जो थर्ड पोजीशन में आता है उसे ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। इससे आप ये अंदाजा तो जरूर लगा लेते होंगे कि गोल्ड की कीमत सिल्वर से अधिक है और सिल्वर की कीमत ब्रॉन्ज से अधिक है, और है तो ये सभी धातुएं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इन धातुओं की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? क्या ये धातुएं एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं? आपने देखा होगा कि हम अपने घरों में अलग अलग जगह पर अलग अलग धातुओं का उपयोग करते हैं। क्या हम एक ही धातु का हर जगह पर उपयोग करते हैं? नहीं। आपने देखा कि हम घर बनाने के लिए लोहे की छड़ों का उपयोग करते हैं, बर्तन बनाने के लिए भी लोहे का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आपने देखा कि हम बिजली के तारों के लिए लोहे का उपयोग करते हों, या फिर गहने बनाने जेवर बनाने के लिए लोहे के तारों का उपयोग करते हों? नहीं, हम अपने घरों में अलग अलग काम के लिए अलग अलग तारों या धातुओं का उपयोग करते हैं, और ये हम किस काम के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं ये उसके गुणों पर निर्भर करता है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस अध्याय में मिलने वाला है जिसका नाम है धातु एवं धातु कर्म। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 9, धातु एवं धातु कर्म। कक्षा 9वीं में आपने पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा था। आपने देखा था कि हम पदार्थ को सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। फिर आपने ये भी देखा था कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उन्हें भी हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, एक होते हैं तत्व और दूसरे होते हैं यौगिक। और आप ये तो जानते ही हैं कि तत्व उन्हें हम कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, जो एकदम शुद्धतम रूप होते हैं, और यौगिक हम उन्हें कहते हैं जब एक से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर किसी बड़े अणु का निर्माण करते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। साथ ही साथ अब हम यहाँ पर बताते हैं कि जो शुद्धतम रूप होता है तत्व, उसे हम फिर से दो भागों में बांटते हैं, धातु तथा अधातु। तो अब हम इस अध्याय में सबसे पहले जानते हैं कि आखिर किन गुणों के आधार पर हम तत्वों को धातु तथा अधातु में वर्गीकृत करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं धातुओं के कुछ भौतिक गुण। पहले हम धातुओं के भौतिक गुणों को जानेंगे और उसके बाद हम धातुओं के रासायनिक गुणों को जानेंगे। तो आइए जानते हैं धातुएं किस प्रकार भौतिक गुणों में एक दूसरे से समान होती हैं या एक दूसरे से भिन्न होती हैं। धातुओं के गुणों को जानने से पहले आइए हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में धातुएं किस स्थान पर होती हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। आप ये जानते हैं कि हमारी आवर्त सारणी में अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 118 तत्व हैं उनमें से 94 तत्व तो प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन बाकी के जो 24 तत्व हैं वो मानव निर्मित होते हैं। अब इन तत्वों में हम ये देखते हैं कि धातु कितनी होती हैं। यदि हम पूरे 118 तत्वों को देखें तो यहाँ पर हम बता दें कि 93 जो तत्व हैं वो धातुएं होती हैं, यानी कि आवर्त सारणी का अधिकांश भाग धातुओं से भरा हुआ है। उसमें अधिकांश आप देखेंगे कि जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्व हैं और कुछ पी ब्लॉक के तत्व, ये सभी धातुएं होती हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं जो आवर्त सारणी के बिल्कुल दाईं ओर स्थित कुछ तत्व हैं इनमें 18 तत्व अधातुएं होती हैं, यानी कि जिनके गुण धातुओं से अलग होते हैं। इसके अलावा 7 तत्व ऐसे होते हैं जिनमें कुछ गुण तो धातुओं की तरह होते हैं और कुछ गुण अधातुओं की तरह होते हैं, यानी कि ये धातुओं और अधातुओं के बीच के तत्व हैं, इसीलिए इन्हें उपधातुएं या मेटलॉइड्स कहा जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं धातुओं के गुणों को। सबसे पहले जो गुण है धातु का वह है धात्विक चमक।
मेटलिक लस्टर। अब सोना और चांदी को देखते हैं, सबसे पहले आप उससे क्या देखकर प्रभावित होते हैं, उसकी चमक। और यही कारण है कि हम सोना, चांदी या प्लैटिनम जैसी धातुएं जो कि बहुत ही चमकीली होती हैं, उनका उपयोग जेवर या गहने बनाने के लिए करते हैं। तो सभी धातुएं चमकदार होती हैं, ये धातुओं का एक मूलभूत भौतिक गुण है। इसके बाद हम देखते हैं धात्विक ध्वनि। जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि, साउंड या सेनोरियम पाया जाता है। आप देखते हैं कि जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उनके तार धातुओं के बने होते हैं। इसके अलावा आपने मंदिर या फिर अपने स्कूल की घंटी की ध्वनि भी तो सुनी है, वह भी आप जानते हैं कि वह धातुओं से निर्मित होती हैं। इसी तरह से आपने देखा है कि जो चांदी की पायल होती है उसमें विशेष प्रकार की छनछन की ध्वनि होती है, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल पायल बनाने के लिए करते हैं। तो इस तरह हम देखें कि जितनी भी धातुएं होती हैं उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। इसके बाद तीसरा और एक महत्वपूर्ण गुण है धातुओं का, वह है तन्यता, डक्टाइल। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम धातु के टुकड़े को दोनों तरफ से खींचना शुरू करें तो यह लंबे तारों में परिवर्तित हो जाता है, यानी उस पर जब यदि हम तनाव डालते हैं तो वह अपने आकार में परिवर्तन कर लेती है। और इसी वजह से हम धातुओं के, चाहे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इनके हम लंबे पतले तार खींच पाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी धातु है जिससे सबसे ज़्यादा लंबे तार खींचे जा सकते हैं, तो वह धातु है सोना। जी हाँ, सोने का यदि हम 1 ग्राम टुकड़ा लेते हैं तो उससे पूरे 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोचिए कितनी ज़्यादा तन्य धातु होती है सोना। और उसी तरह से उसके बाद नंबर आता है तन्यता का, वह है चांदी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पतले महीन तार बनाने की वजह से ही इनका उपयोग भी हम विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी बनाने में करते हैं। इसके बाद अगला जो गुण है वह है धातुओं का आघात वर्धनीयता। आप नाम से समझ रहे होंगे, आघात वर्धनीयता मतलब धातुएं जो होती हैं जब हम इस पर कोई दबाव डालते हैं या फिर किसी बड़े हथौड़े से इस पर आघात करते हैं, उस पर चोट डालते हैं, तो यह टुकड़ों में टूटती नहीं है बल्कि शीट के रूप में फैलती जाती है। तो यही कारण है कि कुछ धातुएं बहुत अधिक आघात वर्धनीय होती हैं, इसीलिए इनसे पतली पतली शीट या जिसे हम पन्नी कहते हैं वो बनाई जा सकती है। और यहाँ पर भी हम बता दें कि वो धातु जिससे सबसे पतली शीट बनाई जा सकती है वह धातु भी सोना ही है। यदि हम सोने को दबाव डालते जाएं और या उस पर आघात करते चले जाएं तो इसकी इतनी पतली शीट हो जाती है जिसकी मोटाई मात्र 0.0025 मिलीमीटर तक होती है। और यदि दूसरे प्रकार से यदि समझना चाहें आप, तो यदि हम सोने का 1 ग्राम का टुकड़ा लेते हैं तो उससे हम 1 मीटर बाय 1 मीटर का जो पत्र है वह तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि मिठाइयों में या पान के ऊपर चांदी के भी पतले वर्क लगे होते हैं, तो वो भी चांदी को काफ़ी दबाव डालकर या उस पर आघात डालकर पतले पतले शीटों में परिवर्तित किया जाता है। तो ये गुण होता है धातुओं की आघात वर्धनीयता का। इसके बाद धातुओं का अगला गुण है ऊष्मा तथा विद्युत की चालकता। प्रायः सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की चालक होती हैं। ये आपने देखा होगा कि जब आप खाना बना रहे होते हैं और उस समय यदि कढ़ाई के ऊपर आप चम्मच छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद चम्मच का जो हैंडल वाला पार्ट है, यदि उसमें लकड़ी नहीं लगी हुई है, लकड़ी का हैंडल नहीं लगा हुआ है, तो वो गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। यदि हम चम्मच को एक सिरे पर गर्म करते हैं या किसी लोहे या धातु की छड़ को एक सिरे पर गर्म करते हैं तो धीरे धीरे ऊष्मा का उसमें प्रवाह होता है और जो अगला सिरा है वह पूरी तरह से गर्म हो जाता है।
इसी तरह से हम जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, और यही कारण है कि विद्युत प्रवाह करने के लिए या इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए हम धातुओं का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर फिर से प्रश्न उठता है कि धातुएं विद्युत की चालक होती हैं तो सबकी चालकता एक जैसी तो नहीं होगी, तो सबसे ज़्यादा विद्युत की चालक कौन होती है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत की चालक जो धातु है वह है चांदी, और उसके बाद चालकता के क्रम में जो दूसरा स्थान मिलता है वह है कॉपर। लेकिन आप ये देखते होंगे कि जनरली हम तारों में कॉपर का उपयोग करते हैं, और यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि जो हाई टेंशन वायर्स होते हैं वहाँ पर हम एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, चांदी का उपयोग नहीं करते। बहुत अधिक अच्छी चालक होने के बावजूद भी, क्योंकि हम जानते हैं उसकी जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहेंगे, वो ये कि कुछ धातु जैसे कि पारा और लेड, ये धातुएं ऐसी होती हैं जो कि चालक नहीं होती हैं, तो हम इनको अपवाद स्वरूप जानते हैं। चलिए इसके बाद धातुओं का एक और महत्वपूर्ण गुण है, वह है गलनांक तथा क्वथनांक। हम किसी भी जब धातु को पिघलाते हैं तो हमें उसे ऊष्मा देनी होती है, और लेकिन जो धातुएं होती हैं थोड़ी बहुत ऊष्मा में पिघलती नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ऊष्मा देने पर ये पिघलती हैं, क्योंकि इनका गलनांक उच्च होता है। और इसी तरह से जब इन द्रवित अवस्था में आ जाती हैं और इन्हें वाष्प में परिवर्तित करना होता है, उसके लिए भी हमें इन्हें बहुत अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है। सबसे यदि हम अधिक गलनांक वाली धातु की बात करें तो वह होती है टंगस्टन, जिसका गलनांक सभी धातुओं में सबसे अधिक होता है। इसके बाद एक और गुण होता है धातुओं का, है वह घनत्व। आप देखेंगे कि यदि आप एक कोयले का टुकड़ा लेते हैं और उसी साइज का, उसी आकार का यदि लोहे का टुकड़ा लेते हैं तो कौन भारी होता है? लोहे का टुकड़ा ना। यही कारण है कि धातुओं का घनत्व बाकी अन्य पदार्थों की तुलना में बहुत अधिक होता है। और यदि हम सबसे अधिक घनत्व वाली धातु की बात करें तो वह धातु होती है ऑस्मियम, जबकि सबसे कम घनत्व वाली धातुएं होती हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये धातु होती हैं सोडियम तथा पोटेशियम। ये काफ़ी हल्की धातुएं होती हैं, जबकि ऑस्मियम सबसे ज़्यादा भारी धातु होती है। तो ये हैं कुछ धातुओं के महत्वपूर्ण गुण। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन धातुओं में सामान्य रूप से कुछ गुणों में समानता दिखाई देती है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फिर भी हम हर धातु का उपयोग एक काम के लिए नहीं कर सकते हैं। हम अपने घरों में या बाहर भी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग धातुओं का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम बर्तन बनाने के लिए लोहे या स्टेनलेस स्टील धातु का उपयोग करते हैं, इसी तरह से जो फ्यूज़ वायर होता है उसके लिए हम कम गलनांक वाली धातु का उपयोग करते हैं। आपने देखा जो घरों की वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं, वहाँ पर हम कॉपर धातु का उपयोग करते हैं। जो हाई टेंशन तार होते हैं उसमें हम एल्यूमिनियम तारों का उपयोग करते हैं। इसी तरह से घर बनाने के लिए इस्पात की मजबूत छड़ों का इस्तेमाल हम करते हैं। इन धातुओं का उपयोग अलग अलग कामों के लिए करने के पीछे कारण है इनके गुणों में भिन्नता। सभी की धातुओं की में एक सामान्य भौतिक गुण होने के बावजूद भी इनमें आपस में अंतर पाया जाता है, इनके गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब यहाँ पर हमने धातुओं के गुणों के विषय में जाना, आइए हम कुछ अधातुओं के गुणों से भी इनकी तुलना कर लेते हैं। जैसे कि शुरू में हमने कहा धातुओं में चमक होती है, तो अधातु हम उन्हें कहेंगे जिनमें की चमक नहीं पाई जाती है। तो जितनी भी अधातुएं होती हैं उनमें प्रायः चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। जैसे कि हम कहें आयोडीन, आयोडीन एक अधातु है लेकिन इसमें इसके क्रिस्टलों में एक बहुत ही सुंदर चमक होती है।
इसी तरह से हम कहेंगे चूंकि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, तो धातुएं वो पदार्थ होंगे जो ऊष्मा और विद्युत के चालक नहीं होंगे। लेकिन हम यहाँ पर ये भी बता दें कि अधातुओं के कुछ प्रकार, जैसे कि हीरा, हीरा चूंकि ये कार्बन का ही एक अपर रूप है, लेकिन ये ऊष्मा का चालक होता है। इसी तरह से कार्बन का एक और अपर रूप होता है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का चालक होता है। इसी तरह से हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि जो धातुएं कठोर होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, लेकिन अधातुएं ना तो कठोर होती हैं बहुत ज़्यादा और ना ही आघात वर्धनीय होती हैं, बल्कि अधातुएं भंगुर होती हैं। जैसे कि हम ले कोयले का टुकड़ा, यदि हम कोयले के टुकड़े पर हथौड़े से वार करेंगे तो क्या होगा, वो टुकड़े टुकड़े में या पाउडर के रूप में टूट जाएगा। इसे हम कहते हैं भंगुरता, यानी कि जो अधातुएं होती हैं ना तो तन्य होती हैं, ना तो आघात वर्धनीय होती हैं और ना ही कठोर होती हैं, बल्कि ये नरम मुलायम होती हैं तथा भंगुर होती हैं, जो चोट करने पर टूट जाती हैं। तो इस तरह से हम मुख्य मुख्य रूप से यदि धातु और अधातु में अंतर करना चाहें तो हम देखते हैं कि अधातुओं में भी कुछ अपवाद देखने को मिल जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि केवल एक गुण के आधार पर, यानी कि धात्विक चमक है, इसके आधार पर हम किसी पदार्थ को धातु या अधातु में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें दोनों पदार्थों के कई सारे गुणों की तुलना करनी होती है और तब हम किसी पदार्थ को धातु या अधातु के रूप में निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से आप धातुओं और अधातुओं के गुणों से परिचित हो गए हैं। तो इसीलिए अब मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ। ये एक्टिविटी आपको अपने घर में करनी है। आपको करना ये है कि आपके उपयोग की जो भी घर में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, चाहे आपके लिखने की पेन हो, पेंसिल हो, या फिर आपके ऑर्नामेंट्स हो, ज्वेलरी हो, या फिर और घर में पाई जाने वाली कुछ चीज़ें हों, आपको लगभग 25 चीज़ें इकट्ठी करनी हैं। और 25 चीज़ों को इकट्ठी करने के बाद आपको इन्हें धातु और अधात्विक पदार्थों में वर्गीकृत करना है और उनकी लिस्ट बनानी है। इसके बाद जब आप धातुओं को अलग कर लेते हैं तो उनमें से धातुओं की, सभी धातुएं लेकिन सब अलग अलग धातुएं हैं, तो आपको करना ये है जितनी भी धातुएं हैं उनकी अलग अलग पहचान कीजिए, उनके नाम लिखिए और उनके रासायनिक संकेत लिखिए। इस तरह से एक्टिविटी करने पर आपको बहुत सारी जो घरों में उपलब्ध धातुएं हैं उनके नाम तथा उनके संकेत याद हो जाएंगे। तो बिल्कुल तैयार हैं आप एक्टिविटी करने के लिए? चलिए, धातुओं के भौतिक गुणों को जानने के पश्चात आइए अब हम धातुओं के रासायनिक गुणों को जानते हैं। धातुओं के भौतिक गुणों में देखा आपने, जहाँ धातुओं के आकार, आकृति, रंग, उनकी चालकता, गलनांक, क्वथनांक आदि के विषय में जानते हैं, वहीं हम धातुओं के रासायनिक गुणों के अंतर्गत ये देखते हैं कि ये धातु प्रकृति में उपलब्ध अन्य पदार्थों के साथ किस प्रकार रासायनिक क्रिया करती हैं, जैसे कि हवा यानी कि वायु, ऑक्सीजन, जल, अम्ल, क्षारक आदि के साथ इनकी क्रिया किस प्रकार से होती है। तो जिस तरह से आपने देखा कि ये धातुएं भौतिक गुणों में एक दूसरे से समान भी होती हैं और कुछ इनमें असमानता भी पाई जाती है, उसी तरह से रासायनिक गुणों में भी ये सभी धातुएं एक दूसरे से विभिन्नता प्रदर्शित करती हैं। और इनकी जो सक्रियता है इन सभी पदार्थों, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ या फिर अम्लों क्षारों के साथ इनकी जो क्रिया होती है, उनकी सक्रियता का जो क्रम होता है वो भी एक दूसरे से भिन्न होता है। कोई जो धातु होती है इन पदार्थों से बड़ी तीव्रता से क्रिया कर लेती है, जबकि किसी धातु को क्रिया करने में काफ़ी समय लगता है, या फिर उसे ऊष्मा देनी पड़ती है, या फिर उत्प्रेरक का उपयोग करना पड़ता है, तब वो जाकर क्रिया करती हैं, यानी कि इनकी सक्रियता में काफ़ी अंतर होता है। हाँ, हम जहाँ पर सक्रियता की बात करते हैं तो इनकी सक्रियता का एक संबंध इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ,
इनकी सक्रियता और इनकी प्राप्ति यानी कि खोज होने के पीछे भी एक गहरा संबंध है। आप देख सकते हैं, आपने सुना होगा सोना चांदी, ये जो धातुएं होती हैं सोना चांदी तथा तांबा, इनकी प्राप्ति आदिकाल से थी। आदि समय में भी मनुष्य इनका उपयोग करते थे, सिक्के बनाने के लिए इनका उपयोग करते थे, इसीलिए इन्हें आदिकाल की धातुएं कहा जाता है। इनकी खोज लगभग 6000 ईसा पूर्व हो चुकी थी, यानी कि जो सोना है उसे ईसा के 6000 वर्ष पूर्व से जानकारी इसके बारे में थी। इसी तरह से जो तांबा है इसकी जानकारी हमें 4200 ईसा पूर्व से थी, चांदी की जानकारी हमें 4000 ईसा पूर्व से थी, इसी तरह से लेड और टिन के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हुई या इनकी जो प्राप्ति हुई वह लगभग 3000 से 3500 वर्षों पूर्व हो चुकी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं, जबकि और यदि हम धातुओं को देखें जैसे कि जिंक है, जिंक की खोज ईसा के 2000 वर्षों पूर्व हुई। इसी तरह से लोहा जो कि प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है लेकिन इसकी खोज सोने तांबे या चांदी से बहुत बाद में हुई, इसकी खोज ईसा पूर्व लगभग 1500 वर्षों के पूर्व हुई। इसी तरह से मरकरी पारा, इसकी खोज हुई थी ईसा पूर्व 750 वर्षों पूर्व। इसके बाद हम आए जो आधुनिक धातुएं या जिनकी खोज बहुत बाद में हुई है, जैसे कि प्लैटिनम, इसकी खोज हुई है 1735 में। इसी तरह से और धातु लें जैसे कोबाल्ट है, इसकी खोज हुई 1739 में। फिर निकिल है, टंगस्टन है, इनकी खोज भी बाद में हुई। और भी जो धातुएं हैं, जो हल्की धातुएं हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनकी खोज तो और अधिक बाद में यानी कि 1807 और 1808 में हुई है, जबकि एल्यूमिनियम की खोज बहुत बाद में यानी कि सबसे आधुनिक धातु हम कहें तो वह है एल्यूमिनियम, जिसकी खोज 1825 में हुई है। इनकी खोज का ऐसा क्रम क्या दर्शाता है? आप हम देख रहे हैं कि जो सोना चांदी हैं उनकी खोज तो बहुत पहले हो गई, तो क्या बाकी की धातुएं पहले मौजूद नहीं थीं? बिल्कुल थीं। लोहा या एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम ये भी प्रकृति में पहले से ही मौजूद थे, लेकिन ये स्वतंत्र रूप में मौजूद नहीं थे। जहां सोना चांदी जैसी धातुएं उसी रूप में प्रकृति में मिलती हैं जिस रूप में हम उनको देखते हैं, थोड़ी बहुत शुद्धता कर लेने के बाद वो बिल्कुल वैसे ही हमें मिल जाती हैं, जबकि अन्य धातुएं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये जैसी धातुएं होती हैं कभी भी उस रूप में नहीं मिलती, स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, ये अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके कंपाउंड के रूप में मिलती हैं। और आप जानते हैं कि पुराने समय में उन कंपाउंड्स में से तत्व को निकाल पाना, धातु को निकाल पाने की प्रक्रिया या प्रोसेस या संसाधन हमारे पास नहीं थे और इसीलिए इनकी खोज होने में काफ़ी समय लगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो धातुएं निष्क्रिय होती हैं, दूसरों के साथ जल्दी क्रिया नहीं करती और वो स्वतंत्र रूप से मिलती हैं, उनकी पहचान जल्दी हो गई, जबकि जो धातुएं ज़्यादा सक्रिय होती हैं वो जल्दी आजू बाजू जो भी तत्व उपस्थित होते हैं या ऑक्सीजन उपस्थित होती है या सल्फर उपस्थित होते हैं उनके साथ मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इनकी पहचान करना कठिन होता है। तो आप समझ गए हैं कि जो सक्रिय धातु होती हैं वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलती हैं, जबकि जो कम सक्रिय या बिल्कुल अक्रिय धातुएं होती हैं वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती हैं, और इसीलिए इन्हें खोज पाने का जो क्रम है या जो समय है वह भी अलग अलग है। इसी तरह से एक सक्रियता का उदाहरण आप और देख सकते हैं जो कि आपने कक्षा 9वीं में देखा था। आपने एक विस्थापन प्रक्रिया का क्रियाकलाप किया था जिसमें आपने देखा था कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें आयरन लोहे की कील डाल देते हैं और कुछ समय के लिए इसे छोड़ देते हैं,
तो आपने देखा था कि जो लोहे की कील होती है उसके ऊपर कुछ पदार्थ डिपॉजिट हो जाता है जो कि कॉपर होता है, जो कि अपने लवण यानी जो कॉपर सल्फेट का विलयन था उसमें से निकलकर लोहे के कील के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, और इसीलिए जो कॉपर सल्फेट का जो गहरा नीला रंग था वह भी हल्के रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो आयरन है अब कॉपर को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है और वहाँ पर आयरन का सल्फेट बन जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो आयरन है वो कॉपर की तुलना में अधिक सक्रिय है और इसीलिए वो कॉपर के लवण विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यही सक्रियता का उदाहरण अब हम और भी देखते हैं एक क्रियाकलाप के द्वारा। यहाँ पर हम एक नहीं बल्कि कई प्रकार की धातुएं और कई प्रकार के लवण विलयन लेते हैं और क्रियाकलाप के द्वारा जानते हैं कि कौन सी धातु दूसरी धातु से अधिक सक्रिय है। तो चलिए करते हैं क्रियाकलाप। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों के बारे में पढ़ा है। जब आपने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि धातुओं में कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। इसी प्रकार से आपने धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी पढ़ा है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एक और अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, आज हम इस विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर धातुओं के रासायनिक गुणों को जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 6 परख नलियाँ, जिसको मैंने पहले से नामांकित करके रखा है, अ, ब, स, द, ई और फ। पहली 2 परख नलियाँ हैं जिसमें मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया है, कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसमें कॉपर एक धातु है। इसी प्रकार से स और जो द परख नली है इसमें मैंने जिंक सल्फेट का विलयन बनाया है, ZnSO4, जिसमें जिंक एक धातु है। जो ई परख नली है इसमें फेरस सल्फेट का विलयन बना है, FeSO4, जिसमें आयरन एक धातु है। और फ परख नली जिसमें सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसमें सोडियम एक धातु है, का विलयन बना के रखा है। इसके साथ साथ हमने कुछ आल्पिन ली है, दानेदार जिंक लिया है, तांबे की छीलन ली है और मैग्नीशियम रिबन के कुछ टुकड़े लिए हैं। तो चलिए अपरख नली में हम कुछ अल्पिन डाल देते हैं। इस अल्पिन को मैंने धागे से बांध के रखा है ताकि इसमें होने वाले परिवर्तन को हम निकाल के देख सकें। तो इसे डाल देते हैं। ब परख नली में हम दानेदार जिंक डालेंगे, स में तांबे की छीलन, द परख नली में मैग्नीशियम रिबन के कुछ टुकड़े ई परख नली में और फ परख नली, इन दोनों में हम दानेदार जिंक डालते हैं। तो बच्चों, इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि इसमें होने वाले परिवर्तन को हम देख सकें। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने जो इसे 5-10 मिनट के लिए रखा था इसमें कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं। पहली परख नली जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है इसमें हमने कुछ आल्पिन डाली थी, चलिए इसको निकाल के देखते हैं। अरे वाह, ये जो लोहे की अल्पीन थी इस पर तो तांबा जम गया है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोहे की पिन जो कि आयरन एक धातु है, आयरन ने
कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि आयरन कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, जिसके कारण हमें ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दूसरी परख नली, इसमें हमने कुछ दानेदार जिंक डाली थी। अब हम देख सकते हैं कि दानेदार जिंक के ऊपर भी कॉपर की परत, तांबे की परत हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? इसका अर्थ यह है कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित किया। जिंक कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, जिसके कारण यहाँ पर भी हमको इस प्रकार का परिवर्तन दिखाई दिया। अब हम देख सकते हैं तीसरी परख नली, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये अभी भी वैसे ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक सल्फेट में जो जिंक धातु है वो कॉपर से ज़्यादा सक्रिय रही, जिसके कारण कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सका, इसलिए ये अभी भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। द परख नली, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन था और मैग्नीशियम फीते के कुछ टुकड़े थे। मैग्नीशियम जिंक सल्फेट के विलयन से क्रिया किया, जिससे मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण हुआ, और इस प्रकार से यहाँ पर भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा सक्रिय है। ई परख नली, इसमें आयरन सल्फेट और दानेदार जिंक लिया था हमने, तो हम देख सकते हैं कि आयरन सल्फेट का जब हमने विलयन बनाया था थोड़ा सा हरा दिख रहा था, लेकिन अभी ये कलरलेस हो गया है, मतलब इसमें परिवर्तन हुआ। इसका अर्थ ये है कि जिंक धातु जो है वो आयरन से ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए यहाँ पर हमको परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब जो फ परख नली है, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड और दानेदार जिंक लिया था। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, ये अभी भी वैसा ही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोडियम क्लोराइड की जो सोडियम धातु है वो जिंक से ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए जिंक सोडियम को विस्थापित नहीं कर सका, इसलिए इसमें हमको कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ धातुएं अधिक सक्रिय हैं तो कुछ धातुएं कम सक्रिय हैं। इस प्रकार से सक्रियता की एक श्रेणी यहाँ पर बन जाती है। तो ऐसी धातुएं जो विलयन में से दूसरी धातु को विस्थापित कर देती हैं, उसे हम सक्रिय धातु कहते हैं। बच्चों, कुछ धातुओं के उनकी सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस सारणी में उपस्थित प्रत्येक धातु उसके नीचे में उपस्थित धातु से अधिक सक्रिय है, इसलिए प्रत्येक धातु उसके नीचे की धातुओं को रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से विस्थापित कर लेती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लिथियम, जिसे सबसे ऊपर में रखा गया है, अब आप बताइए इसे सबसे ऊपर में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये सबसे अधिक क्रियाशील है, और जैसे ही हम नीचे देखते हैं तो सबसे नीचे में किसे रखा गया है? प्लैटिनम को। तो बताइए प्लैटिनम को नीचे क्यों रखा गया है? बिल्कुल सही, क्योंकि प्लैटिनम सबसे कम क्रियाशील है। इस प्रकार से क्रियाशीलता की एक श्रेणी बन जाती है, और जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं क्रियाशीलता कम होती जाती है। तो बच्चों, आप भी कुछ धातुओं के साथ यह अभिक्रिया करिए और सक्रियता श्रेणी बनाकर देखिए। इस क्रियाकलाप में आपने देखा कि यहाँ पर हमने 6 टेस्ट ट्यूब ली थी, और आपने देखा कि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को प्रतिस्थापित करने में सक्षम हो जाता है, और इसीलिए जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग है वो हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से आपने देखा जो परखनली बी थी, उसमें जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। इसी तरह से आपने परखनली डी में देखा कि मैग्नीशियम धातु जिंक सल्फेट में से जिंक को प्रतिस्थापित कर देती है। साथ ही साथ जो परखनली ई थी, उसमें आपने देखा कि जो जिंक धातु है वह फेरस सल्फेट के लवण विलयन में से फेरस यानी कि आयरन को प्रतिस्थापित कर देती है।
इसका मतलब यह दर्शा है कि यहाँ पर आयरन कॉपर की तुलना में अधिक सक्रिय है, जिंक कॉपर की तुलना में अधिक सक्रिय है, मैग्नीशियम जिंक की तुलना में अधिक सक्रिय है तथा जिंक आयरन की तुलना में अधिक सक्रिय है, क्योंकि ये दूसरे तत्वों के लवण विलयन में से उन्हें प्रतिस्थापित कर देते हैं। जबकि आपने देखा कि जो परखने वाली ई थी उसमें आपने देखा कि हमने जिंक सल्फेट का विलयन लिया था और उसमें कॉपर की छीलन डाली थी, लेकिन वहां पर कोई अभिक्रिया नहीं हुई क्योंकि कॉपर जिंक को उसके लवण मिश्रण में से प्रतिस्थापित नहीं कर पाया। वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जिंक की तुलना में कॉपर कम सक्रिय होता है। इसी तरह से आपने जो आखिरी टेस्ट ट्यूब थी उसमें भी देखा कि हमने सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का जलीय विलयन लिया था और उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले थे, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि जिंक धातु जो कि कॉपर और आयरन को तो उनके लवण विलयन में से प्रतिस्थापित कर पाती है, लेकिन सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को प्रतिस्थापित नहीं कर पाई। इसका मतलब यह है कि जिंक धातु सोडियम से कम सक्रिय होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ धातुएं दूसरी धातुओं से अधिक सक्रिय हैं, जबकि कुछ धातुएं दूसरी धातुओं से कम सक्रिय हैं। तो ऐसी धातुएं जो कि दूसरी धातुओं को उनके लवण मिश्रण में से प्रतिस्थापित कर देती हैं वो अधिक सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। और इसी आधार पर हमारे पास जितनी भी धातुओं थीं उनको उनकी सक्रियता के आधार पर सक्रियता के घटते क्रम में या अवरोही क्रम में अरेंज कर दिया गया और इस प्रकार से हमें धातुओं की सक्रियता श्रेणी प्राप्त हुई, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो धातुओं की छोटी सक्रियता श्रेणी दिख रही है उसमें सबसे ऊपर है लिथियम धातु, उसके नीचे है पोटेशियम, फिर सोडियम, सीजियम और आप देखेंगे कि सबसे नीचे में है प्लैटिनम धातु। इसका मतलब यह है कि ये जो सक्रियता श्रेणी है वह सक्रियता के अवरोही क्रम घटते क्रम में है। इसका मतलब यह हुआ कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसी धातुएं बहुत अधिक सक्रिय धातुएं हैं, जबकि नीचे की जो गोल्ड या प्लैटिनम धातुएं हैं वो कम सक्रिय धातुएं हैं या अक्रिय धातुएं हैं। इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आयरन चूंकि सिल्वर के ऊपर है, इस सक्रियता श्रेणी को देखकर हम बता सकते हैं कि आयरन चूंकि सिल्वर के काफ़ी ऊपर है, इसलिए यदि सिल्वर का कोई भी लवण विलयन होगा उसमें यदि हम आयरन डालते हैं तो आयरन सिल्वर को अब उसके लवण विलयन में से प्रतिस्थापित कर देगा। दूसरी ओर यदि हम जिंक के किसी लवण विलयन में आयरन को डालेंगे तो आयरन जिंक को उसमें से प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं सक्रियता श्रेणी में जिंक आयरन से ऊपर है, यानी कि वह धातु जो कि दूसरे धातु से नीचे है वह अपने ऊपर वाली धातु के लवण विलयन में से उसे प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगी, जबकि जो धातु उस धातु से नीचे उपस्थित है उसके लवण विलयन में से वह धातु उसे प्रतिस्थापित कर पाती है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि इस धातु की सक्रियता श्रेणी में आपको बीच में हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम बता दें कि हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली जितनी भी धातुएँ होती हैं वह तनु अम्ल में डाले जाने पर हाइड्रोजन रिलीज करती हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं, जबकि यदि नीचे वाली धातुओं को उसमें अम्ल के विलयन में डाला जाएगा तो उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। यानी कि यदि हम HCl विलयन लेते हैं और उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं तो वहाँ पर जिंक जो है वो HCl के क्लोराइड से क्रिया करके जिंक क्लोराइड बना लेगा तथा वहाँ पर हाइड्रोजन गैस विमुक्त हो जाएगी। और हम ये भी बता दें यह विधि जो है हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि भी होती है। दूसरी ओर यदि हम अम्ल के विलयन में सिल्वर को डाल दें तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की गैस नहीं निकलेगी, क्योंकि जो सिल्वर है वह हाइड्रोजन के नीचे आती है और इसीलिए वह अम्ल के विलयन में से हाइड्रोजन विमुक्त करने में सक्षम नहीं है। तो इस तरह से सक्रियता श्रेणी के आधार पर
हम विभिन्न धातुओं की सक्रियता की तुलना कर सकते हैं और इसके आधार पर हम ये भी जान सकते हैं कि कोई धातु किसी अन्य पदार्थ से यानी कि जल से, ऑक्सीजन से या फिर अम्लों से या क्षारों से किस प्रकार से क्रिया करेगी। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि सक्रियता के आधार पर ही जैसे कि मैंने पहले बताया धातुओं की प्राप्ति के क्रम में अंतर पाया जाता है। आप देख रहे हैं जो सक्रियता क्रम में नीचे आने वाली धातु हैं यानी कि सोना या चांदी है उनकी खोज काफ़ी पहले हो गई थी, जबकि ऊपर आने वाली धातुएं लिथियम सोडियम पोटेशियम की खोज काफ़ी समय बाद हुई। इसी तरह से आपने देखा कि लोहा जो कि प्रकृति में या भूपर्पटी में इसकी उपलब्धता बहुत अधिक है लेकिन यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता और यह अपने कंपाउंड यौगिकों के या अयस्क के रूप में मिलता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के रूप में। और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से धातु यानी कि आयरन को प्राप्त कर पाना बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। इसके लिए उच्च ताप की जरूरत पड़ती है, कोक या कोयले की जरूरत पड़ती है, भट्टी में प्रोसेस करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर लोहा प्राप्त होता है। और इसी प्रक्रिया की कमी के कारण या प्रक्रिया संसाधन उपलब्ध ना होने के कारण हम लोहे की खोज बहुत बाद में कर पाए। इसकी खोज लगभग 3500 वर्षों या उससे कुछ अधिक के पास ही हो पाई। इसी तरह से और भी धातुएं हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, क्योंकि ये बहुत सक्रिय धातुएं हैं और इसीलिए ये हमेशा अपने यौगिकों कंपाउंड्स के रूप में ही प्राप्त होती हैं और जिन्हें अपचयित करके इन्हें धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सक्रियता श्रेणी है वह धातुओं के एक दूसरे के तुलनात्मक सक्रियता से हमें परिचय कराती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये सक्रियता श्रेणी धातुओं के रासायनिक गुणों को समझने में किस प्रकार सहायता करती है, यानी कि जानते हैं धातुओं के रासायनिक गुण धातुओं की वायु के साथ, जल के साथ, अम्ल क्षारों के साथ किस प्रकार की क्रिया होती है। तो सबसे पहले देखते हैं धातुओं की वायु के साथ क्रिया।